यह है चिमटा। ये घास खाते हुए देखिए बहुत सारी हैं। वैसे तो हर जगह की चाय का अपना मजा है, पर गांव की सुबह की प्याली, गांव के प्योर दूध की, सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ गरम गरम प्याली और उसके साथ पक्षियों के चहचहाने की आवाज, तो चलिए मजा लेते हैं। तो चलिए अभी आपको लेकर चलता हूँ ऊपर, और ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ सुबह सुबह का, किस तरह का है ऊपर का नज़ारा। सुबह सुबह के टाइम ही कौवे आ चुके हैं और ये छत का नज़ारा कुछ इस तरह का है। एक बार आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। और ये देखिए गांव में सुबह सुबह किसी ने सूर्य महाराज को जल दिया है, तो उसमें जो चावल हैं वो कौवे खा रहे हैं। तो सुबह सुबह कौवे अपना ब्रेकफास्ट करते हुए, और ये देखिए सूर्य देवता सुबह सुबह उगते हुए, और कुछ इस तरह का नज़ारा है चारों तरफ का। सामने उपले रखे हुए हैं। कौवे उड़ते हुए और चावल खाते हुए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए अपना। ये देखिए कबूतर सामने, और ये एक छोटी सी खाट जो मेरे सामने दिख रहा है, ये है छोटा सा पीढ़ा जो बैठने के काम आता है, जिस पे लेडीज बैठकर खाना बनाती हैं। और जो ये सामने है जिसमें फायर लगी हुई है लकड़ी, इसके अंदर है घोसे जिसे बोला जाता है चूल्हा, और इसके ऊपर रखी हुई है पतीली जिसमें कुछ अभी बन रहा होगा। और यह है छोटा सा आरा जो मिसलेनियस वर्क के काम आता है। यह है चिमटा। और यह है फूंकनी, इससे मारते हैं हवा आग सुलगाने के लिए। और यह है चिमटा, इससे घोसे इधर उधर करते हैं। घोसा बोलते हैं इसको, उपला बोलते हैं। और ये पानी गर्म हो रहा है, इसमें खाना और खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर रखे हैं उपले, देखिए कितना सारे उपले रखे हुए हैं। घोसे बोलते हैं इनको, कई जगह उपले बोलते हैं। ये बनते हैं जो भैंस तो गाय गोबर करती हैं उससे। चूल्हा तो मैंने आपको दिखा दिया, देखिए पुराने टाइम में मसाला पीसने के लिए ये इसे बोलते हैं सिलबट्टा, ये यूज़ करते थे चटनी बनाने के लिए, ऑर्गेनिक चटनी बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। इसको देखिए इसे चलाएंगे, ये ऐसे यूज़ होता है। तो पुरानी लेडीज़ काफ़ी स्ट्रांग होती थी, चटनी बनाती थी इसी पे, मसाले पीसती थी और बहुत सारे काम करती थी इस पे। ये देखिए गांव में लोग ऐसे गोबर लिपते हैं, इस टाइप का हो जाता है फिर रंग फर्श का। ये देखिए कितनी सारी भैंसे हैं अंदर, 1 2 3 4 5। ये देखिए और वो साइड में गोबर धरा हुआ बहुत सारा। और ये घास काटने की मशीन, पहले हाथ से काटते थे, अब इंजन से काटते हैं लोग बाग। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है गोबर होने के बाद। ये देखिए गांव के रोड, ये देखिए बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े घर होते हैं खुले खुले।
एक गन्नों से भरी हुई खादी हुई पूरी ट्रॉली। और ये कुछ गांव के लोग बैठे हुए यहाँ पे लहराते हुए खेत। ये देखिए यह आम का पेड़ देखिए, अभी इसमें मोल आ रखा है, मोल के ऊपर फिर आम लगेंगे, इतना ज़्यादा मोल होगा। जो वाइट वाइट दिख रहे हैं सामने, ये होता है मोल, इसी के ऊपर फिर आम आते हैं। और ये जो नीचे हैं ये हैं, ये बो रखे हैं गेहूँ जिससे बनता है आटा। सामने पेड़ है इसको बोलते हैं सफेदे का पेड़। और एक पॉपुलर का पेड़ भी होता है, अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। पॉपुलर देखिए वो सामने लगा, ये पॉपुलर का पेड़ है, पास से दिखाऊंगा मैं आपको जाके। और ये गाँव की फेवरेट बाइक स्प्लेंडर, हीरो स्प्लेंडर काफी फेमस। ये देखिए गाँव में ऐसे ट्रैक्टर चलता है, पूरी बुग्गी पैक गन्नों से लदी हुई। ये देखिए ये आइसर ट्रैक्टर, काफ़ी पुराना होगा, लगभग 15 साल पुराना। और ये गन्ने ऐसे ओवरलोड होके चलते हुए। ये देखिए इसको बोलते हैं ट्रॉली। राइट साइड में आपके राइट साइड में लगी हुई है गोभी। यह कैबेज, खेतों में कैसे लगती है कैबेज देख लीजिए, दूर दूर तक कैबेज लगी हुई है इसमें खाली। और जो सामने लगा हुआ है वो है शुगर कैन, गन्ना लगा हुआ है। मैं खेतों के बीच में से होके जा रहा हूँ, ये रास्ता बनाया हुआ है, जैसे ट्रैक्टर बुग्गी जाते हैं खेतों की साइड, तो इस टाइप का रास्ता बना हुआ है। और ये जो मेरे साइड में लगी हुई है इसको बोलते हैं बरसम। ये जो पशु होते हैं गाय भैंस वो सब यही खाते हैं। इनके ऊपर हल्के हल्के फूल भी लगे हुए हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो ये देखिए गन्ने की, इसको बोलते हैं पुली। ऐसे गन्ने को जमा किया जाता है और फिर लोड किया जाता है, और इसको बोलते हैं, जो मेरे सामने रखा है इसको बोलते हैं मेड़ा, जो प्लेन करने के काम आता है। देखिए अब पूरा प्लेन हो चुका है। तो सामने फावड़ा यूज़ करते हुए, उस साइड में सेपरेट कर रहे हैं दूसरे खेत से। सामने बकरियां खेलती हुई, छोटी बच्ची हैं। ये घास खाते हुए देखिए बहुत सारी हैं।
और ये बड़ी बकरी। मजे करते हुए घास खाते हुए। और ये इस साइड है नहर, छोटी सी नहर, खुद से बनाया हुआ पुल है। वो सामने एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पर जाने के लिए। ये उस पार जाने के लिए। और ये सारी बकरियाँ यहाँ पे घास खाती हुई लाइन से। ये हैं पॉपुलर के पेड़ जो मैंने आपको बताया था, माचिस की तिल्ली इनसे ही बनती है। और पेपर जो हम पेपर यूज़ करते हैं लिखने के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ एक शानदार नज़ारा। दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ गेहूं के खेत। यहाँ पे पूरे ब्राउन हो रखे हैं, भूरे हो रखे हैं, तो ये गेहूं पकने के लिए रेडी है, मतलब कटने के लिए रेडी है। ये सामने देखिए एक और छोटा सा गांव है, दिख रहा है। देखिए इतने दूर दूर तक सिर्फ गेहूं लगे हुए हैं और कोई छोटी खेती लगी हुई है। देखिए सामने वाला गांव भी दिख रहा है, दूर दूर तक इतना प्लेन है, सिर्फ सिर्फ गेहूं लगे हुए हैं। ये गांव के रोड कुछ इस टाइप के होते हैं, खड़ंजा होता है जो सिर्फ ईंटें बिछी हुई हैं खाली, एक कांटे हैं इनमें जो अक्सर पैरों में चुभ जाते हैं। सारे में कांटे कांटे हो रखे हैं और इन पर फूल भी आ रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये नैरो रोड है, बहुत मिट्टी का बना हुआ है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी डाल के रोड। उस साइड देखिए बीच में नहर है, ये नहर है और इस साइड में रोड है। ये मेरे ऊपर पक्षी चहचहाते हुए। ये मेरे सामने फ्रेश भांग लगी हुई है। यहाँ पर लगी हुई है भयंकर भांग। काफी अभी छोटे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं भांग के पेड़। ये देखिए जो एक कच्चा रास्ता है ऊपर का, वहाँ से कैसे ऐसे एंटर करता है ट्रैक्टर जब उसकी जुताई होती है। देखिए यहाँ से ये स्लांट बनाया हुआ है खेत में उतरने के लिए। और ये देखिए नज़ारा, क्या नज़ारा है, बिल्कुल अद्भुत। और ये साइडों में देखिए, ये जो कूल है इसके दोनों साइड ये पॉपुलर के पेड़ लगाए जा रहे हैं। देखिए पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए उस साइड भी पॉपुलर लगे हैं, अभी जस्ट रिसेंटली पेड़ लगाए हुए हैं। तो अभी जब ये बड़े होंगे तो जो सामने पेड़ हैं उतने, ये देखिए जो सामने पेड़ दिख रहे हैं इतने ऊंचे ऊंचे हो जाएंगे, कम से कम इससे भी ऊंचे। और ये देखिए, ये देखिए नहर से पानी जा रहा है।
ये बम्बा लगाया हुआ है जिससे नहर में से पानी डायरेक्ट इस साइड आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे खेत की तरफ। देखिए इस तरह से जो ये हैंडमेड पुल है, ऐसे रास्ता बनाया हुआ है एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए। तो पानी भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं और साथ में चल रही हैं अभी टाइनी छोटे छोटे पेड़ जो पॉपुलर के हैं, और ये लहराते खेत। सॉरी, अभी हवा बिल्कुल नहीं है, विंड नॉइस नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी। अगर हवा चल रही होती तो लहर रहे होते, ये बहुत ही प्यारा व्यू लगता। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे कुछ बंदे घास काट रहे हैं, तो मुझे नीचे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता बहुत पतला सा है, और आगे भी ध्यान देना पड़ रहा है। लहराते हुए खेतों में हाथ मारते हुए और नेचर का मजा लेते हुए। यह आ चुके हम दूसरे खेत में, बरसम के खेत में। आपको बुगला दिखाता हूँ। ये उड़ गया, वो देखिए दो सामने वहाँ बैठे हैं, वो एक उड़ा। यहाँ पर देखिए कितने सारे बुगले हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेल पत्थर का पेड़ जिसके पत्ते शिवजी महाराज को चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पे। कितने बड़े बड़े बेल पत्थर हैं, ये फ्रूट्स है बेसिकली। इसका जूस बना के, जूस आपने पिया होगा सिटी में अगर आप रहते हैं तो। गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। और ये है जो सामने आप देख रहे हैं, ये शीशम का पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, जिसकी लकड़ी से अपने क्रिकेट बैट बनते हैं, उसमें भी यूज होता है ये। पत्तियाँ देखिए इसकी, इस टाइप की पत्तियाँ होती हैं। और ये सामने लगे हुए हैं शुगर कैन। ये जंगली रास्ता है खेतों में जाता हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली यहीं से होके जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और घना बाग,
जो है आम का, जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। यहाँ नीचे से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लेके वो एंड तक जहाँ तक पेड़ लगे हैं वहाँ तक ये पूरा आम का बाग है। और ये देखिए इस पे कितना ज़्यादा मोल आ रखा है, जितना ज़्यादा मोल आएगा उतने ज़्यादा आम आएंगे पेड़ पे। बहुत ही घना है, बहुत ही ह्यूज। गांव में आपको इससे भी बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आके एंजॉय कीजिए, गर्मी में गर्मी आपको लगेगी नहीं। यहाँ पे इतने पेड़ हैं, इतना ऑक्सीजन है यहाँ पे, प्योर ऑक्सीजन जिसे बोलेंगे आप। ये देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है पेड़ों में से दिखता हुआ। बाग कितना अच्छा लग रहा है। ये सपोज कीजिए आप यहाँ पे आए हुए हैं और आप यहाँ पे मिडल में आपने वो देखिए सामने झोपड़ी टाइप बनाया भी हुआ है बड़ा भी, पूरा तंबू वम्बू सब उखड़ा हुआ है। तो आप यहाँ आइए, रेस्ट कीजिए, घूमिए, कितना अच्छा लगेगा आपको। देखिए गांव में भी डस्टबिन लगाए हुए हैं, देखिए मंदिर के पास वहाँ भी डस्टबिन लगाए हुए हैं, कितनी अच्छी बात है। देखिए नीचे, ये नीचे देखिए पत्ते ही पत्ते पड़े हैं जो पेड़ों से झड़े होंगे, आम के पत्ते। तो आप भी आइए, विलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, बाईसाइकिल का मज़ा लेते हुए, सनसेट हो रहा है। देखिए बाय भी बोल रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी एक बाग है बट ये है अमरूद का और इसमें आम भी लगे हुए हैं और अमरूद भी। और ये देखिए साइड में आपको फेंसिंग की हुई है ताकि जंगली जानवर ना आए रात को। और ये देखिए ये अमरूद का पेड़ और नीचे उन्होंने ये बुना खुदाई वगैरह भी की हुई है। और ये भी अमरूद, अभी हालांकि अमरूद दिख नहीं रहे हैं तो अभी सीज़न नहीं होगा अमरूद का। ये पता नहीं, ये मुझे पता नहीं लग रहा किस चीज़ का है, सॉरी इसमें आम नहीं है, इसमें कोई और पेड़ है, अभी मैं आपको कंफर्म कर। तो अभी जैसे मैंने मालूम किया है ये जो दूसरा पेड़ है अमरूद के साथ ये लीची का है। देखिए ये लीची का पेड़ ऐसा है, ये लीची का मूल है जो फूल होता है, ये लीची का मूल है जो फूल होता है वो आ रखा है। लाइन एक लाइन में है जो अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं और एक लाइन में है जो लीची के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये पूरा बाग लीची और अमरूद का है, देखिए दूर दूर तक ट्रैक्टर से निराई हो रही है पूरे खेत की ताकि पूरे खेत में पूरे बाग में पानी की सप्लाई अच्छे से हो सके। तो आपको अमरूद और लीची का बाग भी दिखा दिया मैंने, तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। देखिए कितनी ग्रीनरी है, बहुत घना है ये, बहुत ही घना। तो आप भी ऑर्गेनिक अमरूद और लीची का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। सामने गन्ने 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 लगे हुए, देखिए इसको काटा जाता है फिर उसकी छटाई होती है, उसके बाद जो गन्ने की पुलियाँ वो बनाई जाती है, फिर गन्ना लोड किया जाता है ट्रॉली में, उसके बाद गन्ना मिल में तक पहुँचाया जाता है और मिल तक पहुँचाने के बाद भी उनको रिसिप्ट मिलती है, एट ए टाइम पैसा नहीं मिलता, उसके बाद भी 5-6 महीने बाद पैसा मिलता है। तो ये देखिए सूरज देवता
ये देखिए लकड़ी जमा की हुई है, आम की लकड़ी है ये, हवन वगैरह में यही आम की लकड़ी काम आती है। कुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना गहरा होगा, आई डोंट नो। ज़्यादा गहरा नहीं है। और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है गोबर, ये देखिए ये कबूतर निकले। ये जो गोबर है इससे बनाए जाते हैं उपले जो रखे हैं वहाँ पे, ये पाथे जाते हैं तो इसके बाद उपले बनते हैं जो हाथ से बनाने पड़ते हैं। ये देखिए ये भाई अभी गोबर लेके आए हैं और उन्होंने यहाँ पे गोबर डाला है, तो या तो कल मॉर्निंग में ये पाथा जाएगा फिर ये उपले बनाए जाएंगे। और ये उपले खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, रोटी बनाने में, उन सब चीज़ में काम आएंगे। गोभी लगी हुई है, तो ये देखिए ये जो गोभी के साथ लगा हुआ है ये जो लाइन से लगे हैं वाइट वाइट कलर के फूल दिख रहे हैं आपको, ये है धनिया। पास से दिखाता हूँ आपको, ये धनिया के पेड़ हैं। बहुत दूर तक लगे हुए हैं कि इस तरह से कटिंग होती है। मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ कैसे कटिंग करते हैं गांव में, विलेज में जो बंदे होते हैं। ये ऐसे उठाया और यहाँ जमा कर दिया, बिल्कुल ऊपर से पकड़ के नीचे से। ये दिखता बहुत आसान है बट इसमें कई बार हाथ भी कट जाता है, बट इन लोगों को प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी क्या काट रहे हो आप? जई। तो ये किस लिए यूज़ होता है ये जई? ये घास है। अच्छा, गाय भैंस के लिए, बैलों के लिए, गाय के लिए, बैल तो है ही नहीं। अच्छा, इसे खा के दूध ज़्यादा दे डंग। अच्छा, तो मतलब ये दूध इंक्रीज करता है। तो देखिए गांव में लोग इस तरह से घास काटते हैं और फिर उसे जमा करते हैं और फिर काटते हैं और काटने के बाद डांगरों को डालते हैं, जो पशु होते हैं उनको डालते हैं। लोकल लैंग्वेज में पशु को डांगर बोलते हैं, हर जगह अलग अलग बोलते हैं, यहाँ पे डांगर बोलते हैं जिस स्मॉल टाउन में मैं अभी आया हुआ हूँ। ये देखिए इवनिंग टाइम में, ज़्यादातर सुबह और इवनिंग टाइम में दूध निकाला जाता है। तो अभी जो मैं है ये गाय हैं और ये उसका बछड़ा, तो अभी ये दूध निकालने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस जा रही है। क्लीनिंग होने के बाद ये देखिए इस तरीके से दूध निकाला जाता है। ये दिख बहुत आसान रहा है बट बहुत मेहनत लगती है इसको करने में। ये देखिए ये प्योर दूध है। ये देखिए गाय कैसे प्यार कर रही है अपने बच्चे को। गाय को लालच दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर दूध दे उसका बच्चा पास में रख के। इतनी बाल्टी भर चुकी है और एक गौ माता काफ़ी भयंकर रूप लेते हुए, तो दूर ही रहना सेफ है क्योंकि वो अभी हमें जानती नहीं है। अगर हमें जानती तो नहीं मारेगी, अगर नहीं जानती तो डेफिनेटली मारेगी। और ये देखिए सामने एक भाई साहब आराम फरमाते हुए। ये देखिए दूध पूरा ऊपर तक भर चुका है। और ये देखिए इस तरह से पाथा जाता है गोबर, ये उपले बनाए जा रहे हैं अभी गोबर के। हैंडमेड ये बन गए उपले।
तो इस तरह से गांव की औरतें उपले बनाती हैं, गोस्से बोलते जिन्हें यहाँ पे। तो शहर में आपको ये चीज़ बहुत ही कम देखने को मिलेगी। और ये देखिए, ये कवर किया जा रहा है अभी उसको, इसको बिटोड़ा बना रही है अभी ये। और ये देखिए, इन्होंने अभी बनाए हैं कुछ। ये देखिए गांव की औरतें ऐसे लकड़ी लेके जाते हुए, और ये खाना बनाने में यूज़ होंगी। के गांव में हेल्दी होने का राज गांव के लोगों का, ऐसे एक्सरसाइज होती है गांव के लोगों की। गोबर लेके जा रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा जो गायें पशु वगैरह गोबर करती है वो कलेक्ट करके अपने घेर में जाके घेरते हैं, ताकि वहाँ पे उपले बनाए जा सके। या पर्टिकुलर एक जगह जिसे कुरडी बोलते हैं गांव में, तो वहाँ पे जमा किया जाता है। इवनिंग में प्रोसेस जारी है। आटा मन चुका है और ये चूल्हे में आग हो चुकी है। तो ये देखिए, इस तरह से कर्सी लगाई जाती है, उपले इस तरह से उपले लगाए जाते हैं और आग लगाई जाती है। और ये ऊपर रखी है कढ़ाई, तो अभी इसमें बनने वाला है कुछ स्पेशल। तो ये देखिए, स्मोकी फ्लेवर भी आएगा इसमें, जो भी उपले और लकड़ी के द्वारा जल रहे हैं। तेल डाला गया है इसमें। अभी बनाई जाएंगी पूरी। और ये डाली पूरी। खाना रेडी हो चुका है, जिसमें है पूरी, गांव का हलवा देसी घी का, और ये कद्दू की सब्जी ऑथेंटिक, और ये है दही। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी पूरी का आनंद लेते हुए, बहुत मस्त पूरी बनी है, ऑथेंटिक बिल्कुल।